घंटे 44 सीनेटर 10 सवाल और बीच में सोशल मीडिया के फेमस ऐप फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग। कैम्ब्रिज एनालिटिका डेटा लीक मामले में लगातार उनसे तीखे सवाल पूछे जा रहे हैं और सवालों का जवाब देते हुए जुकरबर्ग के पसीने छूट जा रहे हैं। ऐसा ही हुआ है अमेरिकी सीनेट में, जहां उनको डेटा लीक मामले पर अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। बता दें, डेटा लीक मामले के सवालों के जवाब देने के दौरान जुकरबर्ग काफी परेशान थे और सीनेट के सदस्यों ने जुकरबर्ग को निशाने पर ले रखा था। उनसे पहले जुकरबर्ग ने अमेरिकी सीनेट में अपनी डेटा लीक मामले की जिम्मेदारी लेते हुए माफी मांगी थी। बता दें, सीनेट में जुकरबर्ग से 10 सवाल पूछे गए थे, उन 10 सवालों में इनके पसीने छूट गए और जुकरबर्ग बार बार अपनी गलती को मानते हुए माफी मांग रहे थे। इनके माफी मांगने से ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जुकरबर्ग के ढिलाई की वजह से कैम्ब्रिज एनालिटिका की तरफ से गड़बड़ी हुई है, वरना इस तरह से वो हर सीनेट में हर सदस्य से माफी मांगते नहीं फिरते। ऐसे में जो भी आज के समय फेसबुक का यूज कर रहा है, उसको ये डर लग रहा है कि कहीं उसकी डेटा लीक ना हो जाए, और इससे साफ हो रहा है कि अब फेसबुक के यूजर्स कम हो जाएंगे, जिससे जुकरबर्ग को काफी बड़ा झटका लगेगा। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।